हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। वैसे आपको बता दें कि कोरोना के महामारी के कारण लॉकडाउन आ गया है। जी हां, दरअसल कोरोना की दूसरी वेव के कारण लॉकडाउन आ गया है, जिसके कारण प्रभास स्टारर सलार की शूटिंग रोक दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट नजर आएंगी श्रुति हासन, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नल। जी हाँ, KGF के निर्देशक रह चुके प्रशांत नल अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलार का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ था दिसंबर में, जिसे देखकर प्रभास के फैन और प्रशांत नल के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास एक मिलिट्री अटायर में नजर आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रभास डॉन की तरह मिलिट्री अटायर में नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास का दो किरदार है, जो कि बहुत ही अलग होगा, जहां प्रभास एक पिता और बेटे का किरदार दोनों निभाएंगे। जी हां, बिल्कुल बाहुबली की तरह। जहां बाहुबली फर्स्ट में आपको एक बेटे का किरदार देखने को मिला था, वहीं बाहुबली कंक्लूजन में बेटे के पिता का किरदार देखने को मिला था। वहीं आपको बता दें कि ठीक इसी की तरह प्रभास भी सलार में नजर आने वाले हैं, जहां एक रोल प्रभास का मैकेनिक का होगा, वहीं दूसरा रोल उनका मिलिट्री ऑफिसर का होगा। अब देखना ये है कि आखिर प्रभास इस फिल्म को किस तरीके से हमें दिखाने वाले हैं और क्या ये फिल्म बिल्कुल बाहुबली की तरह हिट होने वाली है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।